आपको 7 करोड़ रुपए में लॉटरी लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैं भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म बनाऊंगा। मेरा एक ही पैशन है इस दुनिया में। मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ, और आप सब गवाह हैं, आप भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं तो आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, मैं जो भी पैसा कमाता हूँ उसमें जो भी मेरे घर का खर्च है वो निकालने के बाद जो पैसा बचता है उससे मैं सिर्फ और सिर्फ फिल्म बनाता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं कितनी अच्छी फिल्म बना पाऊँ भोजपुरी में, क्योंकि मेरे अंदर ना वो एक बहुत पीड़ा है कि भोजपुरी सिनेमा को कोई भी मजाक उड़ा देता है, भोजपुरी सिनेमा का कोई भी ये कह देता है कि अरे यहाँ ऐसी फिल्में बनती है, अरे ऐसा होता है, उससे ना मुझे बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को से मैं उबरना चाहता हूँ, तो उसके लिए अगर मुझे 7 करोड़ रुपया मिल जाए सच में तो मैं एक बेहतरीन फिल्म बनाऊंगा भोजपुरी में। और जैसे हमारे भोजपुरी बेल्ट के बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जो हिंदी में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, बहुत ऐसे राइटर हैं जो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिखते हैं, तो मैं उन सब के पास जाऊंगा, मैं उनको कहूंगा कि आप हमारे लिए भोजपुरी के लिए एक फिल्म बनाइए, आपका जो प्राइस है वो ले लीजिए, पर एक फिल्म हमारे भोजपुरी के लिए भी बना दीजिए, हमें भी चाहिए कि हम जो है गर्व के साथ हमेशा ये कहें। और बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी भी हैं, बन भी रही हैं, आगे बनेंगी भी, पर अगर इतना सारा पैसा मिल जाए तो मैं बहुत बड़ी फिल्म बनाऊंगा। भगवान करे आपको 7 करोड़ ही ना बहुत सारे आगे दिए लग जाए, बहुत सारे मिले आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये बहुत फनी है, क्या आज भी लोग आपको टुन्नू कहकर बुलाते हैं गाँव में या घर में? अब तो बाकी लोग तो नहीं कहते हैं, पर अभी भी गांव में जो हमारी दादियां हैं, जो बड़ी माँ है, चाची है, बुआ है, और गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, अभी भी मैं गांव जाता हूँ तो आओ टुन्नू आगिला, बोले हाँ तो आज भी वो लोग टुन्नू कहते हैं मुझे। जी अच्छा लगता है। जैसे कि आप 2 बार कपिल शर्मा शो में जा चुके हैं, तो कोई वैसा यादगार पल जो आप हमारे फैंस को शेयर करना चाहते हो उस सेट का? हाँ, उस सेट पे तो बहुत आनंद आता है। अब पर मैं गया था तो आप भी थी साथ में? हाँ, फर्स्ट टाइम आपकी सारी जी और कौन थे, रानी जी, और नेक्स्ट टाइम हम पवन जी और हम। हाँ, तो हम लोग जितनी भी बार जाते हैं मुझे एक ही चीज वहाँ याद रह जाती है कि वहाँ मैं इतना हंसता हूँ, क्योंकि एडिट के बाद लोग देखते हैं तो उनको पता नहीं कि क्या हाल होता है, पर मैं आपको भी देख रहा था, मैं आम्रपाली जी को देख रहा था, पवन जी को, खेसारी जी को, मतलब उस सेट पे जब हम जाते हैं तो इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि हंस के लोटपोट और ये जबड़ा जो है ना वो कई घंटों तक दुखता रहता है, इतना हंसते हैं वहाँ पे। तो वो याद रहता है कि बाप रे बाप कितना हंसा है, क्योंकि वो कमाल है, वो उस टीम की जितने लोग हैं सब कमाल है, बहुत फन करते हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो में देखा था कि आपकी माँ और बड़े पापा ने आपके जींस पर कमेंट किया था कि इतना पैसा होते हुए फाटल जींस का है वही हुआ ताड़ा। हाँ, तो क्या कभी आप फिर से वैसा जींस पहन के उन लोगों के सामने गए हैं? बचता हूँ थोड़ा, बचता हूँ, जैसे गांव जाना होता है तो कपड़े निकाल के पहन रहा होता हूँ तो याद आ जाता है कि नहीं बड़े पिताजी मिलेंगे, ये फटा हुआ छोड़ देता हूँ, इसको नहीं पहनता हूँ। अभी तो बड़े पिताजी नहीं रहे, पर जब वो थे तो ऐसा होता था, और अब कोशिश करता हूँ कि माँ के सामने भी कोई फटा वाला जो होता है जींस वो ना पहनूं, मैं ट्राई करता हूँ। Okay. आपको बिग बॉस में गोल्डन हार्ट यानी सोने का दिल का खिताब मिला था, उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा था? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सच में, इसलिए क्योंकि बिग बॉस में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरी यहाँ जरूरत क्या थी।
से बाहर हो गया तो मैं बहुत खुश हुआ कि भगवान बचा ले, बचा लिए। कि अरे भगवान मुझे बचा लिए, मैं कहाँ फंस गया था। मैं आया बाहर और अपने सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बोला कि आप लोग शूटिंग चालू करो, बच गया मैं। अरे बाप रे बाप। और फिर 10-15 दिन शूटिंग मैं कर ही रहा था, तब तक फिर बुला लिए। मैं बोला अरे बाप रे, फिर फंस गया, अब क्या होगा। क्योंकि बहुत, अगर अभी तो मैं इतना बात भी कर रहा हूँ आपसे, अभी आप मेरे साथ काम की हैं, तो मैं पहले बहुत बात भी नहीं कर पाता था। मैं बहुत शांत ही रहता था, मैं चुपचाप बैठा रहता था और सब लोग बात करे तो मैं सुनता रहता था। और उस शो का काम ही है कि बोलेगा कौन कितना वही दिखता है जो बोल रहा है, और मैं चुपचाप रहता था, मैं सुनता रहता था। अच्छा ये बोलो, फिर ये क्या बोल रहा, हाँ अच्छा हाँ, मैं कुछ बोलता ही नहीं था। और आप बोल नहीं रहे तो आपको दिखाएगा नहीं, क्यों दिखाएगा। सलमान सर ने बोला भी था, अरे तुम भी हो इधर, तुम तो दिखे नहीं। तो मुझे लगता था हाँ यार गलत जगह आ गया, यहाँ मुझे कुछ तो मिलने वाला है नहीं। पर जब मुझे जब वो अवार्ड मिला, सोने का दिल एक था वहां पे, ऐसा कि किसको, तो घर वालों ने ज्यादा वोट मुझे किया और मुझे दिया, तो मुझे अच्छा लगा। और मुझे लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ झगड़ा करके, लड़ाई करके और बहुत ज्यादा बोल के ही आप कुछ जीत सकते हैं, आप चुप रह के शांत रह के भी जीत सकते हैं बहुत कुछ। और तो वहाँ पे वो मिला मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जब मैं बाहर भी अब जाता हूँ कहीं भी ऐसी जगहों पे जहाँ भोजपुरी नहीं समझते हैं लोग, जैसे मैं कभी हैदराबाद शूटिंग करने गया, कभी ऐसी जगह जहाँ हमारी भाषा नहीं है, और वहाँ के लोग भी जब आते हैं और बोलते हैं आप मुझे बहुत अच्छे लगते थे बिग बॉस में, तब मुझे लगता है कि अरे तो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, फिर इनको क्यों अच्छा लग रहा था। तो फिर लगता है कि हाँ नहीं तो आपकी शूटिंग ज्यादा लोगों को अच्छी हुई लगी होगी, भाई होगी। हाँ कि मतलब आप जो हैं वही रहिए, आपको बनावटी रहने की जरूरत नहीं। जी प्यार के रोग भयल में जब आप एक लड़की बने बनके अवधेशी और बताशा चाचा के साथ शूटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं प्रेम के रोग भयल की जब शूटिंग कर रहा था, तो शूटिंग हो रही थी आजमगढ़। मैं कोई फिल्म बनाना होता है तो मैं आजमगढ़ चला जाता हूँ, मुझे वहां के लोकेशन, वहां के लोग और वहाँ कलाकार सब लोग बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं पहले से ये चुनाव उनाव लड़ने के बहुत पहले, चुनाव की तो कोई बात भी नहीं थी, तो जब मैं वो फिल्म वहाँ बना रहा था, तो एक दिन पूरा लड़की वड़की बन के और मैं बैठा हुआ था शॉट देने के लिए, बाकी लोगों का चल रहा था, तो एक चाचा जी आए उधर से ऑडियंस में से और मुझे ऐसे देखना शुरू किए। और पूरा ध्यान से देखने के बाद बोले कि भैया आप तो बहुत अच्छा गाते थे, आपको हम लोग बहुत पसंद करते थे, आपको ये करने की क्या जरूरत है, आप क्या कर रहे हो। मैं उनको क्या जवाब तो मैं बोला चाचा ही रोल कर रहे, तेरी रोल के